हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी आज हमारा थर्ड डे है इन हिमाचल, और अब हम और आज हम हिमाचल में चैल में हैं। कल रात ही आए, और कल रात को इतना खतरनाक रास्ता था यहाँ का, इतना खतरनाक कि ये सब डर गए थे। साइन डरा था, ये तो है ही फेक। जतिन, रात को कैसा लगा? बड़ा अच्छा था, एक आंटी दिखी थी मेरे को, बड़ी मस्त थी। मैं रात को गाड़ी चला रहा था, और यहाँ का बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत रिस्की रास्ता है चैल का। जैसे बहुत लोग आए होंगे उन सबको पता होगा। तो जतिन इतना ज्यादा डर गया था रात में, इतना ज्यादा डर गया था कि ये आते रूम में सबसे पहले सोया। उल्टी आ रही थी मेरे को रात को। अरे गाड़ी के सामने आंटी आ गई थी, एक मैं बोल रहा गुल गई आंटी, गई आंटी, गई कहते कोई छलावा दिखा तुझे छलावा। हमने रूम में एक ब्रेकफास्ट मंगा लिया है, और हम बालकनी में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट है। अंकिता सबसे पहले खाती है, देखो कैसे आराम से ऊपर बैठ के खा रही है, नवाबों की तरह। सो अभी हम हैं चैल कोटी में। चैल है कोटी, यहाँ पे जगह हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर आए हम रात को, आए थे यहाँ, बहुत ही खतरनाक रास्ता था। ये जतिन, पंकुड़ी, साई और अंकिता सब डर गए थे रात में। और अभी हम यहाँ पर स्टे कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टे है, अच्छा व्यू है होटल का, आप सबने देखा ही है, क्योंकि हमें रात को होटल भी नहीं मिल रहे थे, तो हम यहीं पर स्टे कर रहे हैं। और लेकिन रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। हेलो, अब रूम में आपको छोटा सा एक रूम टूर दे देता हूँ अपना। रूम अच्छा है यहाँ पर। तो ये एंट्री है, ये वॉशरूम है। वॉशरूम अच्छे थे, मेरे को तो मेनली हर जगह वॉशरूम ही चाहिए होता है। ये रूम है, थोड़ा सा मैस्ड अप है। और ये यहाँ हमारा व्यू है बालकनी का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। टें टें टें। गाइज, हम रास्ते में अभी सोलन जा रहे थे, और हमें ये वाटर दिख गया यहाँ पर। डायरेक्ट पहाड़ों से पानी आ रहा है, और इतना स्वाद है ना, इतना स्वाद। पंगड़ी कैसा लगा पानी? बहुत टेस्टी। बहुत स्वाद पानी है, और बहुत ही मीठा। कैसा लगा जतिन पानी? अंकिता, फ्रेश, मजा आ गया। अंकिता का मूड खराब था, और ये पानी पी के मजा आ गया, मतलब बहुत ही बढ़िया पानी। भर लो बॉटल, भर लो। इंडियन लुक्स। पहाड़ों में अगर ये ऐसे नेचुरल वाटर मिल जाए ना, तो बिस्लरी बिस्लरी की जरूरत ही ना पड़े। तो हमें एक ये वाटरफॉल मिल गया था रास्ते में, बहुत ही बढ़िया। अब हम इसमें एंजॉय करेंगे। अश्वनी खड वाटरफॉल, ये अश्वनी वाटरफॉल है। ये अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर। आराम से नहीं, आराम से। क्या है, क्या हुआ? ओ मोबाइल, बहुत बढ़िया। ओहो भाई, यार इतनी देर लगा रहा है। आके दान करता हुआ, आराम से जाइए, आराम से। अंकिता मेरे से नाराज हो गई इस ट्रिप में। आओ ना यार, सब एंजॉय कर रहे हैं, जल्दी आओ। आप नहीं करने आए? अंकिता मेरे से गुस्सा हो गई है। आओ आओ, नहीं अंदर कोई एंजॉय नहीं करता, गाड़ी में कौन एंजॉय करता है? जल्दी आओ यार, बेबी आओ। नहीं मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना, मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ, जल्दी आओ। ये दोनों वाटरफॉल में शैम्पू सुना रहे, बताओ यार। शैम्पू बहुत शैम्पू ना के नहीं आए ना तुम दोनों सुबह? कितने बजे आए थे आप? तो तो अंकिता भी यहाँ पर आ गई है, मैंने इसको मनाया है, बहुत ज्यादा मेरे को मेहनत लगी मनाने के लिए। अब फाइनली शी इज हियर, अब ये थोड़ा सा एंजॉय कर रही है। वो सारे लड़के तो हमारे गए अभी कपड़े चेंज करने। आओ आओ, ठंड लग जाएगी, गुस्सा तुम हो, आ जाओ, हाथ दो।
हाँ गुस्सा नहीं हुआ। अच्छा गुस्सा तुम हुए थे, मेरे पे नाम लगा रहे हो। आओ सबने देख लिया तुम कैसे गुस्सा हुए थे गाड़ी में, सबने देख लिया तुम्हें। आ जाओ आ जाओ, गिर जाऊंगा तो इधर आओ ना। अरे इधर आओ यार, यहाँ जय गुरु की मूवी बना रहे हो क्या? यहाँ पे शोले बना रहे हो क्या? पहले ये बोलो, पहले ये करो। पहले नाराज कौन हुआ था? फाइनली नहाने के बाद के स्ट्रगल। जतिन ने तो अपनी शर्ट यहाँ टांग दी है। बच गया। सेटिंग ही चेंज कर दी और अपना फिंगरप्रिंट लगा लिया। अगली पगलू का बेचारे। तो फाइनली अंकिता, साई और जतिन ये तीनों तो नहा लिए, पंकुड़ी नहाती नहीं है और मैं होटल से नहा के आया था। जानवरों को जरूरत थोड़ी ना होती नहाने। तो हम सब नहा लिए, अब हम सबका हो चुका है ट्रिप एंड पॉइंट पे हम ट्रिप को लेके, और हम अब जा रहे हैं चंडीगढ़ पार्टी करने क्लबों में। ये चिक्स के पास अभी इसका मन नहीं भरा पार्टी से। हाँ सो गाइस, अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर व्लॉग। और हमारी ट्रिप कैसी रही गाइस? एक नंबर, बहुत सारी चीजें पर्सनल थी तो हम सब दिखा नहीं पाए। बहुत शॉर्ट ट्रिप थी क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड आ रहा था, तो हमने सोचा करने को। तो आप ट्राई करना कि आप ग्रुप के साथ आओ, जैसे हम अपने को लेके आए थे पहाड़ों पे, कुछ होता वैसे नहीं है। आप अपने लाइक फैमिली या कजिन या फ्रेंड्स के साथ आओ और होम स्टे लेना। लेकिन हाँ यहाँ पे सिर्फ आप चिल कर सकते हो, बट यहाँ पर आके होम स्टे लेना अगर आप, पर अच्छे ड्राइवर के साथ आना, बिकॉज हमारे पास ड्राइवर बहुत अच्छा ड्राइवर है। ज्यादा रिस्की रास्ता, ये देखो आप, देखो कितना रिस्की रास्ता, बहुत रिस्की रास्ता। और हम रात में तो और खतरनाक और डरावना रास्ता था। जतिन को बता दो, जतिन रात में तूने क्या देखा? सच से बताइए, झूठ नहीं, कोई क्लिप वेट नहीं होना चाहिए। कोई आएगा नहीं ना हमारे, मतलब यहाँ पे कोई आएगा? अरे बताना, सब आएंगे, बल्कि और आएंगे यार। एक साथ में आंटी आ रही थी, जतिन कह रहे हैं कि उसे एक आंटी दिखी थी। रात को हम 11 बजे पहाड़ों पे चढ़ रहे थे, हमने बहुत डरी हुई, कसौली से चैल आना था। तो रास्ते को रात को हम चढ़ रहे थे पहाड़ों पर, तो जतिन ने ऐसा बोला, आई डोंट नो ये सच था झूठ था या कोई क्लिक बेट ले रहा था ये, कि इसे रास्ते में कोई टर्निंग पे कोई आंटी दिखी और एकदम से वो गायब हो गई। मतलब मैं तो इतनी डरी हुई थी, उसके बाद जतिन की आवाज गायब हो गई, उसके बाद जतिन की आवाज गायब और उसको बुखार चढ़ गया। हाँ बहुत मुश्किल से भगवान का नाम है ना, भगवान का नाम लो और आ जाओ और व्यू देखो भाई, लेकिन अमेजिंग है, अमेजिंग, मजा आ गया। मंकी पॉइंट जरूर जाना अगर आप एडवेंचरस हो तो। बंदा अच्छा, अगर आप एडवेंचरस हो तो। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी पर मैं फिर भी चल के काफी गई थी, बस मैं हनुमान जी के मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि मुझे लगा था कि मैं पक्का वहाँ गिर जाऊंगी इनके ऊपर, ये पीछे ये जो बैठे इनके ऊपर गिरूंगी मैं। मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, मतलब आप कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते, एयरफोर्स स्टेशन है। और बाय द वे हम आपको बाय बोल रहे थे और अभी भी हम आपको पकाए जा रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्लैक, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग, लव यू। रुको जरा, सबर करो गाइस, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और चिराग, जतिन और साई गए हैं आगे देखने कि किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई है, तो अभी वो आते हैं तो हम पूछते हैं। पहाड़ों पे भी एक्सीडेंट हो गया, बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया है। ये बाइक है कोई दब गई है नीचे गाड़ी के, दिख नहीं रही है, ब्लर हो रहा है सारा। बेचारा कोई लेटा हुआ है यार। हाँ लेटा हुआ, कोई लगी है बहुत ज्यादा, बहुत तेज लग गई है। गाड़ी एकदम से यहाँ पे
भाई बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया। वो क्या हुआ, गाड़ी वाले ने वो कह रहा है कि एकदम से ब्रेक मार दी, लेकिन इतनी तेज मारी है ना, पूरा इसका ये जो गाड़ी है ना अल्टो, इसका पूरा बोनट वोनट सब बंपर वंपर सब अंदर, हाँ इसका सर फट गया। बता रहे आसाई क्या हुआ, हुआ क्या कुछ नहीं यार, मैंने बोला अबे चुप रहा है जतिन, चुप रहा है, बता दे क्या एडिट चल रही है गाड़ी बहुत तेज, मतलब पहाड़ों पे इतनी तेज चल रही है ना, मजा आ रहा है। देख रहे हो पेटिस, देख रहे हो इसकी आवाज इस आदमी की, लड़के को नंगा देखना चाह रहा, शर्म नहीं आ रही साई, डग यार तूने बोला साई। एक बार बताओ ये अकेला गया है क्या, चेक क्या देख, हाँ चल रहे हम दोनों, चल रहे हैं, हम दोनों चल रहे हैं।